प्रभु आप मसीह हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु को लोगों ने अनेकों प्रकार से जाना। जब प्रभु यीशु को उन्होंने किसी व्यक्ति को चंगाई करते हुए देखा तो उसे चंगाई दाता के रूप में पहचाना। प्रभु यीशु को लोगों को मृतकों में से जिलाते हुए देखा तो उसे जीवन दाता के रूप में जाना। इसी प्रकार हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि लोग उसे नबी के रूप में भी पहचानते हैं। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पूछते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, तब शिष्य लोग क्या सोचते हैं प्रभु के बारे में उसे बतलाते हुए कहते हैं कि कुछ लोग उसे इलियास नबी के रूप में जानते हैं, कुछ लोग उसे यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में जानते हैं। और प्रभु यीशु जो शिष्य उनके साथ में हैं, उनके शिक्षा को सुने हैं, प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखे हैं, पहचाने हैं, उन शिष्यों को प्रभु यीशु निजी सवाल करते हुए पूछते हैं कि लोग ये सब मुझे देखकर पहचान कर कहते हैं, लेकिन तुम जो मेरे साथ में रहते हो, मुझे देखते हो, मेरी शिक्षा को सुनते हो, तुम मुझे क्या कहते हो? तब हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि पेत्रुस जो शिष्यों का प्रधान है, वह प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप मसीह हैं। जब पेत्रुस का यह जवाब को सुन करके प्रभु को लगता है कि उनके शिष्य प्रभु यीशु को सचमुच में उन्हें वे पहचाने हैं, तब प्रभु यीशु उन्हें शिक्षा देते हुए कहते हैं कि देखो, मुझे याचकों, फरीसियों, शास्त्रियों और नेताओं के द्वारा ठुकराया जाएगा, मार डाला जाएगा और मुझे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना होगा। जब प्रभु यीशु उन्हें अपने दुखभोग के बारे में बतलाते हैं तो शिष्यों को यह शिक्षा देते हैं कि तुम्हें भी मेरी शिक्षा का अनुकरण करना है, तुम्हें भी मेरी शिक्षा का पालन करना है, और जब तुम मेरी शिक्षा का पालन करोगे, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो जिस प्रकार मुझे ठुकराया जाएगा, दंडित किया जाएगा, उसी प्रकार तुम्हें भी मेरे नाम के कारण तुम्हें ठुकराया जाएगा, तुम्हें सताया जाएगा और तुम्हें भी मेरे नाम के कारण मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की एक नई शिक्षा प्रभु यीशु शिष्यों को प्रदान करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम सभी भी प्रभु यीशु को पेत्रुस की तरह मसीह के रूप में पहचाना है और हम प्रभु पर अपना विश्वास को प्रकट करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु को अपना मसीहा, मुक्तिदाता, जीवनदाता, चंगाईदाता के रूप में हमने पहचाना है। और हम सभी ख्रिस्त विश्वासी प्रभु यीशु के शिष्य हैं, अनुयायी हैं। इसलिए जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा दिए, उसी प्रकार प्रभु आज भी हमें यह शिक्षा देते हुए आज के सुसमाचार के माध्यम से कह रहे हैं, यदि तुम मुझे अपना मसीह के रूप में पहचानते हो, मुक्तिदाता के रूप में पहचानते हो, तो तुम भी मेरे शिक्षा का अनुकरण करो। प्रभु यीशु ने हम सबों को यही शिक्षा दिया, क्षमा करने के लिए, लोगों को सही राह बतलाने के लिए, सत्य के पथ पर उन्हें ले चलने के लिए और एक दूसरे को प्यार करने के लिए। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु जो हमारे मसीह हैं, हम उनके अनुयायी हैं। आइए हम उसकी यह शिक्षा को अनुकरण करें और उसकी यह शिक्षा का हम हमारे जीवन में पालन करें और इस बात से भी अवगत रहें कि जिस प्रकार प्रभु यीशु को, उनके शिष्यों को उनके नाम के कारण ठुकराया गया, उन्हें तिरस्कृत किया गया, उन्हें दंड दिया गया, उसी प्रकार हमें भी प्रभु के नाम के कारण तिरस्कृत किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। आइए हम जब आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो प्रभु से हम यह अनुग्रह मांगे, कृपा मांगे कि हम प्रभु के वचनों पर,
प्रभु के शिक्षा पर चलते हुए हम प्रभु पर अपना पूर्ण विश्वास रखें और संकट के समय, दुख के समय हम अपने विश्वास पर मजबूत और दृढ़ बने रहें। आमीन।